नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी की अखिलेश सरकार ने किसानों का मजाक उड़ाया। यूपी की सपा सरकार किसानों का किस तरह मजाक बना रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उन्हें दिए जा रहे चेक। मुआवजे के नाम पर बर्बाद फसल के लिए महज 100-200 रुपए के चेक बांटे जा रहे हैं। राज्य में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो गईं, किसी किसान ने जान दे दी तो किसी की सदमे से जान चली गई। अखिलेश के ही एक मंत्री का बयान था कि उत्तर प्रदेश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। मुआवजे के नाम पर जो चेक दिए जा रहे हैं वे किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। एक जानकारी के मुताबिक मुआवजे के नाम पर किसी को 75 रुपए का चेक तो किसी को 230 रुपए का चेक मिला है। अब घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से नहीं होगी पूछताछ। अब घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस की बेवजह पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में गाइडलाइंस 15 मई 2015 तक जारी की जा सकती है। गौरतलब है कि इसके बारे में सलाह खुद दिल्ली पुलिस ने दी थी। देखने को मिला था कि 16 दिसंबर को निर्भया कांड में दोनों युवक और युवती सड़क पर घंटों पड़े रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि कहीं वे भी इस पचड़े में न फंस जाएं। इस नए नियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति घायल को अस्पताल लेकर आता है वह उस व्यक्ति को अस्पताल छोड़कर जा सकेगा, उससे किसी भी प्रकार की पुलिस पूछताछ नहीं होगी। आपके वॉलंटियर ने मांगे केजरीवाल से 1 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी में बगावत और दान का सामान वापस मांगने वालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अब बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर सीपी सिंह ने अपने खाने की थाली पर दिए 1 लाख रुपए वापस मांगे हैं। सिंह ने बुराड़ी में आयोजित खाने की थाली पर 1 लाख रुपए दान में दिए थे और केजरीवाल को पत्र लिखकर इन्होंने आपको दिए समर्थन को बड़ी गलती माना और रोष जताया है। उनका कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल का रवैया हिटलर जैसा हो गया है उससे उनका भरोसा टूटा है। ISIS आतंकवादियों की हैवानियत, 10 आतंकियों ने किया 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म। उत्तरी इराक में ISIS आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हाल ही में इन दरिंदों ने 200 से ज्यादा गुलाम यजीदी लड़कियों को मोटी रकम लेकर छोड़ा, जिनके साथ 10 माह तक उनके ही परिवार के सदस्यों के सामने बलात्कार किया गया था। ताजा मामले में उनकी एक और घिनौनी करतूत सामने आई है। ISIS ने 9 वर्ष की एक बच्ची को पहले गुलाम बनाया और उसके बाद 10 आतंकियों ने उसे हवस का शिकार बनाया। घटना के बाद 9 वर्षीय पीड़ित के गर्भवती होने की खबर है। कीमती सूट के बाद अब नरेंद्र मोदी की शॉल पर हंगामा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट के बाद अब उनकी शॉल पर हंगामा हो गया है। रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होती रही कि नरेंद्र मोदी ने जो शॉल पेरिस पहुंचने पर ओढ़ी थी क्या वो वाकई मशहूर विदेशी ब्रांड लुई विटों की है। इन चर्चाओं को हवा दी थी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। खेड़ा ने 10 अप्रैल को ट्वीट किया था कि यह शॉल ओढ़कर श्रीमान मोदी फ्रांस में अपने मेक इन इंडिया अभियान का जोरदार प्रचार कर रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।